न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। चुनावी ड्यूटी लगते ही अधिकारी ड्यूटी से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ज्यादातर कर्मचारी अपने अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर ड्यूटी करने से बचते हैं, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनोज पुष्प ने साफ निर्देश दे दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को VRS दे दिया जाएगा। जो कर्मचारी अस्वस्थ होने का बहाना बनाते हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो 20 वर्ष की सेवा अपनी पूरी कर चुके हैं और अस्वस्थता का बहाना बनाते हैं, उन्हें भी आदेश दे दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा। सर, ये चुनाव को लेकर क्या किस तरह तैयारी चल रही है? अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार बैचेज में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। छोटे छोटे बैचेज पे ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और इसीलिए TRS कॉलेज में और लॉ कॉलेज के डिफरेंट जो क्लासरूम्स हैं उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान जो नियम निर्देश प्रक्रिया है उसके बारे में तो उनको हम बता ही रहे हैं, साथ में हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि संभावित है कि आपके चुनाव के दिन या चुनाव के पूर्व थोड़ी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मानसून जून में धीरे धीरे एक्टिव होता चला जाता है। तो रूट में अगर कोई इशू हो, मतदान केंद्र में कोई इशू हो, तो हम लोग उसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। सभी विभाग के लोगों को भी हमने बता दिया है, हम खुद भी पूरी टीम के साथ कल पूरे जिले का हमने भ्रमण किया है। इसके बाद भी आप लोगों को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि बारिश अगर होती है तो हम बारिश के बावजूद भी अच्छा चुनाव कराएंगे, बारिश के बावजूद भी हम मौके पर ही मतगणना का काम भी कंप्लीट करेंगे। और उन तकलीफ़ों के लिए, उन्हें तैयार होने के लिए हमने प्रेरित किया है कि आप अपने साथ अपना जो भी बरसात से बचने के सामान है वो भी साथ में रखिएगा। और ये मानसिकता जब हम बना लेते हैं कि हम धूप हो या बारिश हो या पानी हो या ठंड हो, हम अपना काम पूरा करेंगे, तो हमारी टीम ये काम पूरा कर लेती है। तो आज हमने जो भी इंट्रैक्शन किया है केवल इसी बिंदु पर किया है कि आप बरसात की परिस्थितियों में भी चुनाव कराने के लिए तैयार रहिए।